हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर शेयर की, ओके, उससे रिलेटेड बातें करेंगे, ओके, कुछ चीज़ें जानेंगे क्योंकि कंट्री में जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है और कुछ न्यूज़ें आ रही है उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे। और मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है, उसमें क्या वो शेयर भागेगा या नहीं भागेगा उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में सब्सक्राइब करें, ओके, लोगों तक इस चैनल को पहुँचाएं ताकि वो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज एटलीस्ट ले सके। और बात करें कल की डेट में, यहाँ पर 3 वीडियो अपलोड करी थी, ओके, ये शेयर बताए थे मैंने जो कि आज के दिन भागते हुए भी नजर आए थे। और अगर बात करें यहाँ पर 2 दिन में 25% एक शेयर भागा था, उससे रिलेटेड वीडियो थी। और बात करें यहाँ पर एक ऑक्सीजन सप्लाई वाली कंपनी थी, उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाई थी, तो उसको भी आप जाके और देख लीजिएगा। वो शेयर और नीचे आ चुका है, मतलब पहले भागा था फिर उसके बाद नीचे आया था, उसे जाके आप देख लीजिए, अच्छा खासा वो वीडियो है। एज वेल एज बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपको पता ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए अपनी इच्छा अनुसार और मंदिर बनाने में हेल्प कीजिए। एज वेल एज यहाँ पर और भी बहुत सारी वीडियोज आपको दिख जाएगी किस तरीके से आप 1 लाख रुपये से 800 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, वन डे, मतलब अगर बात करें 6 महीने की या एयरटेल डेट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दिखाया है, ओके, क्यों? क्योंकि वो सेक्टर एक साथ पीक पे चढ़ा था, उसके बाद उसमें गिरावट होती हुई हमें नज़र आई थी। और पिछले 6 महीने की बात करें तो ये शेयर कंटिन्यूसली गिरता हुआ नज़र रहा है। बट लॉन्ग टर्म के निवेशक अगर आप हो तो आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छी कंपनी में पैसे लगाते हो, एंड इट इज़ लुकिंग अ वेरी गुड कंपनी। अगर बात करें 1 ईयर में 116% के रिटर्न, आपके पैसे को 1 साल में डबल कर दिया है, 2 साल में डबल कर दिया है, 3 साल में आप देख सकते हैं लगभग 400%, 4 साल में 772, 5 साल में 591, और 10 ईयर्स की बात करें तो लगभग 1200% के रिटर्न यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न ऊपर नीचे है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी हमें नजर आती है। इसके अलावा और भी कुछ जानकारी इस कंपनी से रिलेटेड देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वन डे का चार्ट पैटर्न, यहाँ पर इसमें अच्छी खासी गिरावट होती हुई नज़र आई है। 5 डे का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो देखिए यहाँ पर गिरावट है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो पहले शेयर वो काफ़ी नीचे था, फिर ऊपर गया, फिर इसके बाद फिर नीचे आया। अगर 1 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 261 रुपये का शेयर था, उसके बाद इसने 900 रुपये तक, अगर हम बात करें 52 वीक हाई की, तो लगभग 900 रुपये, 698 रुपीज़ का ये शेयर था तक पहुँचा था। इसके अलावा अगर बात करें 5 ईयर्स, ये भी पॉजिटिव है। बट इसमें यहाँ पर देखिए ये कंसोलिडेशन फेज़, ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ है, ये अगर आप तैयार हो इस कंसोलिडेशन फेज़ के लिए तो आप समझ लीजिएगा ऐसी कंपनी में आपको पैसा देती हुई नज़र आएगी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखिए तो देखिए काफ़ी 2010 से कंपनी नज़र आ रही है, 52 रुपये का शेयर हुआ करता था, भागा है नो डाउट, बट यहाँ पर देखिए ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज़ 2010 से लेके यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 साल का कंसोलिडेशन फेज़ था, 5 साल का, फिर उसके बाद थोड़ा सा भागा, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर भागा, तो मतलब इसमें गिरावट भी अच्छी खासी हुई है। तो इस शेयर में पोजीशन बनाने से पहले सब चीज़ का विचार कर लीजिएगा। इस शेयर के बारे में क्यों मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा। अगर हम यहाँ पर देखें शेयर से रिलेटेड और भी कुछ बातें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट में लगभग 23% की 24% की डिलीवरी उठाती हुई दिखी है हमें। अगर बात करें 52 वीक लो की, तो 240 रुपये का शेयर था ये 52 वीक पहले 21 अप्रैल को। अगर 25 अगस्त की बात करें तो अप्रैल से अगस्त तक लगभग 4 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी ने आपके पैसों को अच्छा खासा बढ़ाया था, मतलब 4 गुना कर दिया था, 898 रुपीज़ तक ये शेयर गया था। अगर फिर उसके बाद से कंटिन्यूसली गिरावट होती हुई नज़र आई, और अगर हम यहाँ देखें पूरे सेक्टर में ही गिरावट थी। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के 44% तक के आसपास डिलीवरी है, बाकी FIIs, DIIs और बात करें पब्लिक के पास, HNIs के पास अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग है। अगर बात करें डिविडेंड, तो कंपनी ने यहाँ पर 2020 में ही 2 बार 3 रुपये और 4 रुपये का डिविडेंड दिया है क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा पैसा छापा है। अगर बात करें यहाँ पर कोई भी शेयर हमें गिरवी नहीं नज़र आ रहा। तो अगर हम और भी चीज़ें देख ले तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले अच्छे ये जब शुरुआत था तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से बढ़े था, फिर उसके बाद हमने काबू पा लिया था, बट अगेन सारे बिजनेस शुरू हुए, लोगों का इधर से उधर जाना शुरू हुआ, तो दोबारा कोविड के केसेस बढ़ गए और लगभग 3 लाख रुपये 3 लाख केसेस के करीब हम अब डेली बेसिस पे आना शुरू हो गए हैं। और बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए दिल्ली में आज ही कोविड से रिलेटेड, मतलब अगर बात करें लॉकडाउन से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ आ गई है, 7 दिन लिए लॉकडाउन लगभग लगाया जा रहा है, आज रात से शुरू हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ओके ये शेयर जिस तरीके से कोविड के केसेस में पहले चला था उसी केसेस में शायद ये अब भी भाग सकता है, पहली बात। और अगर बात करें किस सेक्टर से ये रिलेट करता है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो देखिए ये कंपनी काम करती है फार्मा से रिलेटेड, फार्मा का यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी शेयर ही भागते हुए नजर आए हैं हमें, कुछ शेयर यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं वो कि मामूली, बट अगर हम बात करें इस शेयर की तो ये शेयर देखिए 2% के लगभग गिरता हुआ हमें आज की डेट में 12 रुपये के आसपास गिरता हुआ नजर आया है। बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगती है कि इस शेयर में अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सकता है, क्यों? तो आइए वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर इसके कुछ बात कर लेते हैं, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं IOL केमिकल, IOLCP से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर कंपनी करती क्या है, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, तो कंपनी फार्मा एज वेल एज केमिकल दोनों में काम करती हुई नज़र आती है और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जो कि आप देख सकते हैं इथेनॉल एसीटेट्स नाम से एक ये कंपनी है, एज वेल एज API में कंपनी काम करती है। तो API में आपको पता ही है PLI स्कीम का फ़ायदा इस कंपनी को होता हुआ नज़र आएगा ओके। तो अगर हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में अगर इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए फार्मास्यूटिकल इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ API ओके। APIs में कंपनी काम करती है, बल्क ड्रग्स में कंपनी काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी काम करती है, कहाँ पर? बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल आप देख सकते हैं। तो क्या क्या कंपनी बनाती है, तो कंपनी यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ की पॉइंट, तो यहाँ पर आप देखिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ आइबुप्रोफिन विद 35% ग्लोबल शेयर, मतलब ग्लोबल में 35% का शेयर है। आइबुप्रोफिन क्या होता है, एक तरीके की पेन किलर होती है जिसमें ये कंपनी काम करती है, जिसमें 35% हिस्सा पूरे दुनिया का इसी के पास है। ओनली कंपनी वर्ल्ड वाइड बीइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर आइबुप्रोफिन एज वेल एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथाइल एसीटेट एज सिंगल लोकेशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है ओके। और बात करें सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसमें है, ISO ब्यूटाइल बेंजीन में भी ये 30% हिस्सा रखता है ग्लोबल में। तो जीरो डिस्चार्ज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो आप इस कंपनी के और भी कुछ जान सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कंपनी APIs में काम करती है, कंपनी वर्ल्ड में कुछ लीडर है, तो इस बात की तरफ नज़रअंदाज हमें इस कंपनी को नहीं करना चाहिए। बट अगर ये बात करें मार्केट कैपिटल की, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, 3,395 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कम ही इन्वेस्ट करना है, हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। और शेयर ऑलरेडी पहले भी भागा था और इस बार भी भागता हुआ हमें नजर आएगा। देखिए यहाँ पर अगर कोविड का केसेज अगर बात करें एक साल की, तो कोविड के केसेज यहाँ पर से शुरू हुए थे मार्च से, और फिर उसके बाद इस कंपनी ने अगर बात करें 4 महीने के अंदर अंदर आपके पैसों को 4 गुना करती हुई नजर आई थी। तो कंपनी दोबारा इस तरीके का परफॉर्मेंस देख सकती है, एज वेल एज बातें कंपनी के पास ना के बराबर 2% के आसपास का यहाँ पर डेट है, अगर बात करें कोई प्लेजिंग नहीं है, और ROCE की बात करें तो लगभग 69% की ROCE है, जो कि सबसे अच्छी बात है और सबसे बढ़िया बात है। आपको ROCE का मतलब ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बताता हूँ। CAGR की बात करें तो कंपनी 49.3% के CAGR से कंपनी पिछले 5 साल में आपको रिटर्न देती हुई नजर आई है। तो ऐसी ही कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है जो आपको कंसिस्टेंसी आपको रिवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट देते हुए नजर आए। अगर देखें यहाँ पर देखिए सेल्स 288, मतलब 2 साल पहले 288 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लगभग 513 करोड़ रुपए की, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रिवेन्यू में फर्क आ जाता है ओके, कभी सेल्स ज़्यादा होती है कभी कम होती है, बट स्टिल कंपनी कंसिस्टेंसी दिखा रही है। लगभग 2 साल में 2 गुनी हुई हो चुकी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ चुका है 32 करोड़ रुपये से सीधे 157 करोड़ रुपीस, और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का 11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 115 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट में बढ़ चुका है। अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी 10 साल में
301 करोड़ रुपए से 1948 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि सबसे ज़्यादा है ओके हर एक साल का। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ये भी देख सकते हैं, 33 करोड़ का प्रॉफिट 618 करोड़ रुपए में पहुंच चुका है, तो इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है। अगर बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, 13 रुपए का नेट प्रॉफिट आज की डेट में 460 रुपए के नेट प्रॉफिट पे पहुंच चुका है, जो कितने 10 साल के अंदर अंदर। तो कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज़ डूइंग बिजनेस, और वो भी अच्छा खासा बिजनेस। अगर बात करें रिजर्व्स की तो 79 करोड़ का रिजर्व्स 1000 करोड़ के रिजर्व्स में चेंज हो गया है। बोरिंग कंपनी के पास पहले बहुत सारी थी देख सकते हैं यहाँ पर, और कंपनी ने अपनी बोरिंग कम कर दी है। अगर बात करें केवल 25 सितंबर में 25 करोड़ रुपए की बोरिंग थी, और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं और भी कुछ फैक्ट तो देखिए इंटरेस्ट यहाँ पर एक हाँ तो 25 करोड़ के आसपास ही यहाँ पर दिसंबर में भी होगी। और अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो काफ़ी बेहतरीन है, 43% के आसपास के शेयर प्रमोटर्स के पास है। FIIs की बात करें लगभग 5.96% है, थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। एक बार दोबारा इस तरीके की परफॉर्मेंस देगी अगर कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली FIIs दोबारा में एंट्री लेंगे, और FIIs एंट्री लेंगे तो वैसी बात है शेयर दोबारा भागता हुआ ना जाएगा। सेम एज DIIs के पास ना के बराबर ही शेयर है, बट पब्लिक में बात करें तो पब्लिक में देखिए HNIs के पास काफी सारे शेयर है। यहां पर देखिए 8% शेयर ये हो गए, 2% शेयर ये हो गए, 4% ये हो गए, 4% ये हो गए, 1% ये हो गए। तो अगर हम यहां पर देखते हैं 10 ये लगभग 20% की हिस्सेदारी तो HNIs के पास है, और लगभग 30% की हिस्सेदारी नॉर्मल पब्लिक के पास रिटेल इन्वेस्टर के पास आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। अगर इसके कुछ शार्ट पैटर्न की स्टडी कर ले तो देखिए यहाँ पर पहले भी यहाँ पर बेस बनाया था, और बेस बना के फिर आप भाग गया था ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर गिरावट हुई, फिर ये बेस बनाया, फिर उसके बाद गिरावट जंप लगाई, बट अभी कोविड के सिचुएशन के फेवर में है इस कंपनी के, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर से ये जंप लगाता हुआ नजर आएगा। अब ये आपको बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिलता है तो अच्छी बात है, वरना आप यहाँ पर भी मेरे हिसाब से तो पोजिशन बना सकते हैं, बट स्टिल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। या कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं देता नहीं हूं। और यहां पर आप देखिए तो देखिए यहां से अपसाइड डाउन जो दिखाई दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये शेयर जून तक आपको 60% के रिटर्न, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पे जो चला गया ना 900 के आसपास है, जो अगर ऑल टाइम हाई के आसपास भी चला गया तो ये लगभग 60% के रिटर्न आपको 59-60% के रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, जो कि आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। और इसके RSI की बात करें तो कितने की RSI पे ये चल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर देख लेते कुछ और पॉइंट्स तो ये कंपनी केवल 44 के RSI पे अभी आपको ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, और फार्मेसी रिलेटेड काम करती है, पेन किलर से रिलेटेड काम करती है, तो ऑब्वियसली बात है कोविड के केसेस में ये कंपनी और भागती हुई नज़र आएगी। और काफ़ी टाइम से बात करें तो काफ़ी टाइम से यहाँ पर देखिए जुलाई से लेके अभी तक लगभग 9 महीने हो चुके हैं ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही है एक ही दायरे में, इसी इन दो बाउंड्रीज के बीच में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, और कंट्री अभी ये शेयर भागता हुआ मुझे साफ नज़र आ रहा है, तो इसलिए आप इसमें इसके बारे में सोच सकते हैं। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पर आती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।